Last lecture we were discussing about electrolysis process and the product of electrolysis. Today we will discuss about battery. So how many type of batteries are there? First of all, I want to introduce the battery like uh, you have seen uh, in your daily life, dry cell. Uh, as you can see, wrist watches batteries. स्मॉल बटन से बैटरीज जो होती हैं दीज पर्टिकुलर बैटरीज और इनोवेटर बैटरीज यू कैन सी एट यूर होम यू विस्कस अबाउट दीज थिंग्स टूडे लेक्चर ओके सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो बैटरी इज कलेक्शन ऑफ टू एट मॉर बैटरीज कनेक्टिड इन ए सीरीज़ बेसिकली बैटरीज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी सो वॉट इज़ प्राइमरी बैटरी प्राइमरी बैटरी कैन यूज़ ओनली फॉर वंस अब आप एग्जाम्पल बताएँगे कौन सा यूज़ करते हैं हमें एक बारे में और रेडियो में Uh, जो घड़ी होती है उसमें वॉचिस में जो हम पर्टिकुलर ड्राई सेल्स यूज करते हैं बैटरीज यूज करते हैं छोटी छोटी 1.5 पॉइंट फाइव वोल्ट दीज बैटरीज आर प्राइमरी बैटरीज बिकॉज दीज कैन ओनली यूज वंस एंड वी विल थ्रो दैम आफ्टर द यूज ओके द रिएक्शन इन अ प्राइम बैटरी अकर्स ओनली एट वांस ओके द बैटरी बिकेम्स डेड आफ्टर यूज वंस एंड कैन ऑट बी रीयूज बैटरी डेड हो जाती है और उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज़ ड्राई सेल और मर्करी सेल मर्करी सेल और ड्राई सेल जो हैं वो एग्जाम्पल हैं प्राइमरी बैटरीज के ओके okay. सो द ड्राई सेल जो कंसिस्ट करती है उसके अंदर जिंक एनोड होता है और कार्बन कैथोड होता है और मैगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन जो वो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बैटरी के लिए अब तक जो जो हमने पढ़ा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके लिए हमें एक कैथोड चाहिए एक एनोड चाहिए और उसके अलावा हमें क्या चाहिए उसके अलावा हमें आ, उसके अलावा हमें चाहिए दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राई सेल व्हाट इज ड्राई सेल सो ड्राई सेल बेसिकली कैथोड और एनोड हम यूज करते हैं तो एनोड हम यूज करते हैं जिंक को कैथोड हम यूज करते हैं मैग्नीज़ ऑक्साइड को सो so, जो स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है उसे हम फिल करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर ऑफ टू टाइप वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एन अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जिंक क्या करता है एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन मैंने बहुत बार बताया सी आर याद रखना छोटू राम दैट इज कैथोड कैथोड पर रिडक्शन होता है सो so, एनोड पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा जिंक जो है वो ZN+2 देगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन देगा और मैग्नीज़ ऑक्साइड जो है वो क्या देगा मैग्नीज़ ऑक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया विल गिव यू एम एन ओ ओ एच और अमोनिया प्रोडक्शन करेगा ये अमोनियम आयन है और ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है अभी अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज होता है यूरिया प्रोड्यूस करने में दैट इज एन एस टू सी ओ एन एस टू ओके एट द कैथोड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस थ्री अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैगनीज का एक्स मानते हैं तो ऑक्सीजन का माइनस टू होता है एक ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन का माइनस फोर और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो तो ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिडक्शन होता है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या होता है रिडक्शन होता है ओके सो अमोनियम प्रोडक्शन हो रहा है अमोनिया प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ से तो वो अमोनिया जो है वो जिंक प्लस टू के साथ रिएक्ट करके जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है अभी दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोर्ट एज और इसी के वजह से आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ड्राई सेल जो है वो खत्म हो जाती है ओके द सेल हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ़ 1.5 वोल्ट इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट होता है और जो हम घरों में यूज़ करते हैं दैट वी कैन यूज और दैट इज़ यूज इन लाइक रेडियोज़ इन वॉचेस दीज ऑल आर ड्राई सेल बैटरीज सो ड्राई सेल बैटरीज में क्या क्या होता है सबसे ऊपर आपने एक पर्टिकुलर uh, uh, जो है साइनी सरफेस देखा होगा उसको आप बोलते हैं जिंक जिंक इज़ वर्किंग एज एनोड और कैथोड का, का काम कौन करता है मैग्नीज़ ऑक्साइड अच्छा उसमें मैग्नीज ऑक्साइड को कैसे डिप किया जाता है मैग्नीज़ ऑक्साइड को कैसे एज uh, कैथोड यूज़ किया जाता है आपने देखा होगा उसके अंदर एक ग्रेफाइट की रोड होती है कार्बन की ठीक है कार्बन के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है उस क्रेफाइड रोड पे मैगनीज ऑक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को एज अ पेस्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है और इसका पोटेंशियल जो है 1.5 वोल्ट होता है एनोड जिंक और कैथोड मैगनीज ऑक्साइड और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जिंक विल ऑक्सीडाइज इन टू तो जेडन और मैगनीज ऑक्साइड जो वो रिड्यूस हो जाता है किसमें एम एन -OH में प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट में और एनोड पे ऑक्सीडेशन जो है वो जीरो टू प्लस टू होता है भाई जीरो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन है अगर कम हो रहा है अगर ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन है नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मर्करी सेल मर्करी सेल क्या होती है भाई मर्करी सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड जिंक मरकरी अमलगम एक एनोड होता है और पेस्ट ऑफ मरकरस ऑक्साइड एच जी ओ सॉरी मर्करिक ऑक्साइड एंड कार्बन और मर्क मर्क ऑक्साइड एच का जो पेस्ट है वो कैथोड का काम करता है और जिंक मर्करी अमलगम जो है वो एनोड का काम करता है के और जिंक ऑक्साइड को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ओके द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ऑफ मर्करी सेल्स आर गिवन जिंक अमलगम जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ओ एच आइन क्या करेगा जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन जिंक पे ही जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो था भाई यहाँ पे कितना है प्लस टू जीरो से प्लस टू जा रहा है क्या हो गया ऑक्सीडेशन कैथोड मरकरस ऑक्साइड प्लस वाटर गेन टू इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू मरकरी प्लस टू ओ एच आइन सो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी जिंक प्लस मरकरस ऑक्साइड विल गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी पोटेंशियल कितना होता है पोटेंशियल 1.35 वोल्ट उसका पोटेंशियल कितना होता है 1.5 वोल्ट सो पोटेंशियल इज़ रिमेन कांस्टेंट इट्स रिस्ट में जो घड़ी आती है भाई जो रिस्ट जो, वॉचिज uh, में जो आपका सेल आता है उसे मर्करी सेल या फिर बटन सेल बोलते हैं ओके यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज योर ड्राई सेल और दिस इज योर वॉट दिस इज योअर बटन सेल और मरकरी सेल तो ड्राई सेल में कैथोड आपका ये रहता है भाई जो इलेक्ट्रोड आप डालते हो और एनोड जो है वो ऊपर जो कवरिंग है वो रहता है जिंक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट को यहाँ पे फिल किया जाता है सेपरेटर होता है सेपरेटर आपने देखा होगा एक जो है वो लेयर होती है दैट इज लेयर ऑफ लाइक मेड अप ऑफ यू हैव सीन दिस इज बेसिकली अप ऑफ जो पर्टिकुलरली थीन सेप्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे मिली होती है कार्बन और मैग्नीज़ ऑक्साइड मिक्सचर जो है वो आपका कैथोड का, का काम करता है और एनोड का काम कौन करता है जिंक ओके ऑन द सेम लाइन यहाँ पे भी आपका जिंक का मलगम एनोड का काम का करता है और इसमें कैथोड का काम का क्या करता है कैथोड का काम का करता है मर्करस ऑक्साइड ओके okay, ये आपने एनोड और एनोड कैप दिखाई हुई है दिस पर्टिकुलर थिंग और यहाँ पे गैस अगर आप इनको खोलते हैं इनको ओपन करते हैं तब वो कैसे दिखते हैं ये इसमें दिखाया हुआ है भाई ओके ऑल द बैटरीज प्राइमरी बैटरीज दिस इज ड्राई सेल एंड दिस इज जिंक अमलगम ओके अमलगम भाई मरकरी होता है जिंक मरकरी सेल और मरकरी सेल भी बोलते हैं इसे और इसको बटन सेल भी बोलते हैं कई बार सो सेकेंडरी बैटरीज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट सेकेंडरी बैटरीज कैन बी यूज फॉर मोर देन वंस अगर एक बार वो यूज़ हो गई तो उन्हें आप दोबारा रिचार्ज कीजिए उसके बाद फिर यूज़ कीजिए फिर रिचार्ज कीजिए आपने क्या करना है उन्हें रिचार्ज करना है बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन जिस जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप रिचार्जिंग प्रोसेस करते हैं ओके okay. इसमें लेड और निकल कैडमियम सेल जो है लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं भाई सेकेंडरी सेल को जो हम घरों में इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं वो लेड स्टोरेज सेल होती है ओके नेक्स्ट सो वी विल डिस्कस अबाउट लेड बैटरी और लेड स्टोरेज सेल भी बोलते हैं और लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है भाई इसका अब इसमें क्या क्या होता है लेड सेल कंसिस्ट ऑफ अ लेड एज एनोड एंड लेड ऑक्साइड एज कैथोड लेड जो है वो एनोड होता, होता, होता है और लेड ऑक्साइड क्या होता है कैथोड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट लेड सेल कंसिस्ट ऑफ लेड एज एनोड एंड लेड ऑक्साइड एज कैथोड इफ लेड इज एनोड एंड लेड ऑक्साइड इज कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट सो लेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है सल्फेट आयन देता है तो लेड का इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था एनोड पे क्या हो जाता है लेकिन इसमें भी, है। तो देता है भी, सल्फेट भी देता है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेड सल्फेट प्लस वाटर बनाता है अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों रिएक्शंस को आपके पास क्या आता है लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस टू एच टू एसओ फोर क्यों एक एसओ फोर यहाँ पे एक एसओफर दो और दो एच आई एन दो एच आई मतलब दो एच टू मतलब चार एच आई टू एच टू एस फोर क्या देगा टू लेड सल्फेट राइट साइड में देखिए प्लस टू नेट रिएक्शन ऑफ लेड बैटरी इज लेड इज यूज एज एनोड लेड ऑक्साइड इज यूज कैथोड लेड प्लस लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस फोर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू गिव यू लेड सल्फेट प्लस वाटर ओके okay, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा लेड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फेट विल गिव यू लेड सल्फेट एंड लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस सोरे गिव यू लेड सल्फेट अगेन वाइल चार्जिंग ये आपकी कौन सी प्रोसेस है ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है अब चार्जिंग प्रोसेस में ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है सो लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड जो लेड सल्फेट है आपका वो लेड और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर चार्जिंग प्रोसेस में ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमने दिखाई है ये रिएक्शन जो है वो उल्टी हो जाती है लेड सल्फेट जो है वो लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस टू एच टू एस ओ फोर बनाता है नेक्स्ट इज निकल कैडमियम सेल दिस इज अ सेल विच इज नोट पर्टिकुलरली यूज मच बट रीजन बिहाइंड इट्स कॉस्टली सम इसमें थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकली जो पैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है तो इसमें भी आपका कैडमियम और निकल हाइड्रोक्साइड यूज करता है सो so, कैडमियम इज़ यूज एज एनोड एंड निकल हाइड्रोक्साइड इज यूज एज कैथोड और इसमें आपके जो तो नेट रिएक्शन है वो आपको मेमोराइज़ करनी है बस कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड विल गिव यू आपको पता है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन कैडमियम टू कैडमियम प्लस टू और निकल हाइड्रोक्साइड टू निकल जो प्लस थ्री है वो प्लस टू में जा रहा है तो आपका कैडमियम जो है वो एनोड का, का काम करता है निकल हाइड्रोक्साइड कैथोड का काम करता है इसमें उन्होंने गैस के पॉजिटिव टर्मिनल गैस रिलीज वेंट और पॉजिटिव टैप बहुत सारी ऑप्शन थी हैं अभी इसमें सिंपली आपको जो मेमोराइज करना है वो है कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड यूज होता है ओके नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्यूल सेल्स फ्यूल सेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स वट इज द रीजन बिकॉज इन ऑल द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स जितने भी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स हैं भाई उन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में फ्यूल सेल आर यूज एंड यू कैन सी फ्रॉम द नेट रिएक्शन दैट एच टू प्लस ओ टू से वाटर बन रहा है अब जो वाटर फॉर्मेशन आपने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करा और दो गैसेज का यूज़ करके क्या करा वाटर भी जनरेट करा तो आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हो फॉर ड्रिंकिंग पर्पज फॉर अदर पर्पजेज ठीक है दैट्स व्हाई दैट फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम एंड दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन दिस काइंड ऑफ सेल द केमिकल एनर्जी ऑफ फोसिल फ्यूल्स लाइक कोल गैस और ऑयल इज इनिशिएटेड यूजुअली कन्वर्ट इनटू वॉटर यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम एंड इज यूज्ड टू रन अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को बबलड किया जाता है थ्रू पोरवस कार्बन इलेक्ट्रोड अब पोरवस भाई जिनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यू कैन सी द सिंपलिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल इसमें आपने सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेल को यूज करना है एच गैस को और ऑक्सीजन गैस को बबल करना है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फाइनली सप्लेटेड प्लेटिनम और प्लेडियम मेटल आर एडिड टू द इलेक्ट्रोड फॉर इंक्रीजिंग अब स्प्लिटेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल्स को जो है जिन पर डिपोजिशन प्लेटिनम ब्लैक या प्लेडियम की हो रखी है उनको डाला जाता है वो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं भाई रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम एक जो मेटल या फिर जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको कैटलिस्ट बोलते हैं कैथोड पे ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन तो कैथोड ऑक्सीजन प्लस टू एच टू ओ विल प्लस फोर इलेक्ट्रॉन विल गिवर ओ एच आईट जस्ट आई टू मेमराइज दीज इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सिर्फ इस चीज का जरूर ध्यान रखें अगर आपका कुछ भी नहीं आता है तो टू एच टू प्लस ओ टू मिला के टू एच टू ओ लिख दें इफ द पर्सन विल आस्क यू दैट वॉट इज ए फ्यूल सेल्फ ठीक है टू एच टू प्लस फोर ओ एच आई एन विल गिवर एच टू प्लस फोर एनओड पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन सी आर मैंने बहुत बार बता दिया वही फ्यूल सेल जो है उसकी जो असेंबली है डायगोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें दिया हुआ है इसमें जो बेसिकली जो इम्पॉटेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर चीज़ है ये फ्यूल सेल को रिप्रेजेंट करती है इस फ्यूल सेल को आपने यहाँ से और यहाँ से नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को डालना है उनके बीच में ये जो प्लेट्स होते हैं ये पोरवस प्लेट्स होते हैं उनमें छेद होते हैं अभी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनके बीच में फिलिंग होती है एक्वस कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की जो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन कराता है और एनोड को हम एनोड एज हाइड्रोजन एंड कैथोड एज ऑक्सीजन यूज करते हैं और जिससे आपके पास टू एच टू प्लस ओ टू ओवरऑल रिएक्शन में वॉटर फॉर्मेशन होती है सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल्स नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट कोरोजन कोरोजन इज अ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन सी दैट यू कैन रिलेट कोरोजन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वी आर डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ chemical changes to produce electrical energy and electrical energy to produce chemical changes both are included and if electric energy is produced from chemical changes that is electrochemical cell and if the electro <coughs> if chemical changes is produced by applying electrical energy that is an electrolytic cell and that process is electrolysis so corrosion we must have observed that iron, silver, and copper articles appear very shiny at first. With passage of time, they get dull. <coughs> this is due to layer of metal oxide that develop on their surface. Rusting of iron, silver jewelry getting tarnished, and copper articles getting covered by green layers. These all are due to presence of atmospheric oxygen present in uh, the atmosphere, atmospheric oxygen and the moisture. They can react. And that can form oxides in case of rusting of iron iron react with oxygen plus water to give you iron oxide b fe2o3 dot 20 so this is hydrated iron oxide iron 3 oxide this is a form of rust so corrosion apart from that corrosion causes damage to car bodies bridges iron railings ships, and to all objects made of metal and especially those of iron a rusting of copper the metallic copper reacts with oxygen and carbon dioxide and moisture and develop a green colored layer that is copper hydroxide and copper carbonate copper itself can react with water carbon dioxide and oxygen to give you copper hydroxide and copper carbonate which is a green layer in case of silver articles the metallic silver

नाउ द थिंग इज जो सिल्वर जो है वो ब्लैकि अपियरेंस हो जाती है ना वी आर डन विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन सी ई आर टी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लेक्चर दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज यू कैन रिलेट अ लोड ऑफ डेली लाइफ प्रोसेस विद दिस लेक्चर और विद दिस चैप्टर